महत्वाकांक्षा दोनों ही बढ़ती है। यही वजह है कि सालों से जो क्षेत्र दल अपने राज्य व इलाकों में राजनीति कर रहे थे वह अपना दायरा बढ़ाकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक अलग मुकाम रखने वाली शिवसेना भी इसका अपवाद नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र से निकल गोवा यूपी जैसे दूसरे राज्यों में अपने लिए एक अवसर तलाश रही है। पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राउत का बयान था कि शिवसेना आदित्य ठाकरे के नेतृत्व देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। राउत का यह बयान पार्टी के इरादे और आगामी रणनीति के बारे में दो साफ संकेत देता है। पहला, पार्टी में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का मन बना चुकी है। दूसरा, पार्टी का अगला नेतृत्व आदित्य ठाकरे के हाथों में होगा। हाल ही में दादरा नगर हवेली के निर्दलीय दिवंगत सांसद मोहन डेलकर की पहली पुण्यतिथि पर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने उनके घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। वहां आदित्य ने कहा कि शिवसेना डेलकर परिवार के न्याय के लिए उनकी लड़ाई में पूरी तरह साथ देगा। गौरतलब है कि शिवसेना ने डेलकर के निधन के बाद उस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी कलाबेन को टिकट देकर उन्हें जितवाने की पूरी तरह जोर लगा दिया। शिवसेना का मूल डीएनए मराठी रहा है, इसीलिए वह ज्यादातर महाराष्ट्र तक ही सीमित रही है। हालांकि शिवसेना ने इससे पहले भी महाराष्ट्र से बाहर निकलने की काफी कोशिश की है। वह गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावों में उतर चुकी है, लेकिन 2019 के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ महाअघाड़ी में आने के बाद उसे समझ आ रहा है कि अगर सियासत में अपना वजूद और महत्व बनाए रखनी है तो अपना दायरा और पहचान बढ़ानी होगी। टीएमसी, टीआरएस, सपा की तर्ज में वह खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती है। समय समय के साथ सेना का रुख बदलता रहा है। 70 के दशक में जहां उनका रुख एंटी साउथ इंडियन था तो वहीं 80 के दशक में एंटी नॉर्थ इंडियन हुआ। 90 के दशक में उनके आक्रामक हिंदू के तेवर के लिए जाना जाता है, तो 2019 के बाद वह खुद को एक अपेक्षाकृत सेक्युलर के तौर पर देखने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे सोच राष्ट्र स्तर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अपनी स्वीकारता बढ़ाने की है। राज्य में वह मराठियों के अलावा गैर मराठियों के बीच भी पैर बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना का मतलब ठाकरे परिवार ही है। दूसरे क्षेत्र के दलों की तरह सेना में भी पार्टी की कमान परिवार के हाथों में ही रहेगी। आदित्य को ठाकरे परिवार व उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। आदित्य को चेहरा मानने के पीछे एक वजह सीएम उद्धव ठाकरे की सेहत संबंधित सीमाएं भी मानी जा रही है। अपनी सेहत के चलते उद्धव बहुत ज्यादा यात्रा करने या भाग दौड़ करने की स्थिति में नहीं है। कहा जाता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद चीजें बहुत जटिल हो गई है। ऐसे में पार्टी सेना का अगला चेहरा आदित्य को ही माना जा रहा है। जहां उद्धव खुद नहीं जा सकते वहां आदित्य को भेजा जाता है। एक सूत्र के मुताबिक ऐसी ग्रूमिंग का हिस्सा माना जाता है। आदित्य को आगे करने के पीछे कहीं ना कहीं सोच उसे देश में तेजी से उभर रहे युवा नेतृत्व की गैप में जगह बनाने की है। पार्टी समझ रही है कि आने वाले समय में राजनीति में फैसला लेने की जिम्मेदारी युवा चेहरों की रहेगी। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, संजय चौधरी जैसे तमाम युवा नेता हैं, जो अपनी पार्टी में धीरे धीरे बैक सीट से फ्रंट सीट पर पहुंच चुके हैं। इन तमाम युवा नेताओं का आपस में एक संवाद और समीकरण है जो आने वाले सियासी चेहरे के रूप में रूपरेखा को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी अपने युवा नेताओं को भी उसी तौर पर तैयार करना चाहती है जो अपने स्तर पर युवा नेताओं के बीच जगह बना सके। वही आदित्य को चेहरा बनाने के पीछे कहीं ना कहीं यूथ कनेक्टिविटी भी है। पार्टी को लगता है कि अपने युवा चेहरे व सोच के जरिए वह युवाओं में आसानी से पैर बना सकते हैं, क्योंकि आदित्य की अब तक की इमेज वैसी ही रही। महाराष्ट्र की राजनीति पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिवसेना राष्ट्र स्तर पर अपना वजूद बढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह मेकओवर की प्रक्रिया से जूझ रही है। बाला साहेब की इमेज एक एग्रेसिव हिंदुत्ववादी नेता की थी, जबकि उद्धव को उनका माइल्ड वर्जन कहा जाता है। वहीं हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, लेकिन उनके तेवर में बाला साहेब जैसे तीखापन होता नहीं है। आदित्य ठाकरे उनका और भी माइल्ड वर्जन माने जा सकते हैं। शिवसेना खुद को आक्रामक हिंदुत्ववादी की जगह कुछ हद तक सेक्युलर रूप में पेश कर रही है। हालांकि उसने हिंदुत्ववादी एजेंडा छोड़ना नहीं है, लेकिन अब वह हिंदुत्ववादी और राजनीति के मिलने की बात भी नहीं करती है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।